हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एट ट्यूब। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आंसर को, जो इस रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। श्वेत रक्त कणा का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कणा का मुख्य कार्य होता है बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना। हल्दी की पौधे का खानेजन्य हिस्सा कौन सा होता है? वो होता है प्रकंद। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि जिसको काटता है उन व्यक्ति को पानी से बहुत डर आता है। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। शकरकंद के भोजन संग्रहित तो होता है स्तंभ में। दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित होता है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो पुरुष में ही पाई जाती है, और महिला के लिए जो हार्मोन पाया मिलता है उसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। जहरीले पदार्थों का कहा जाता है टॉक्सिन। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। एड्स का पूरा नाम है, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स रोग को फैलाते हैं जो वायरस उसको बोलते हैं HIV, और उसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का जो रोग को जांचने के लिए जो टेस्ट का करते हैं उस टेस्ट को कहते हैं एलिजा टेस्ट। देखिए, एलिजा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? वो एड्स के लिए ही किया जाता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी घाव भरने के लिए सहायक है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। कौन सा विटामिन दूध से नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं मिलता है, क्या कि दूध को जब हम गर्म करते हैं तो विटामिन सी उसमें विनाश हो जाते हैं। सबसे छोटा पुष्प होता है बुफलिया, और सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? वो होता है छोटी अंत में। साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है ओलरी कल्चर। ध्यान से रखिएगा, साग सब्जी का जो कल्चर है यानी कि जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं ओलरी कल्चर। टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? वो लाइकोपीन के कारण होता है। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएँ होती है? कुल मिला के जितनी कोशिका है उसका संख्या होता है 5000 अरब। रक्त के शरीर में एक संचरण में कितना समय लगता है? वो 23 सेकंड लगता है। संपूर्ण जीव जगत को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि सूद यानी कि गठिया से प्रभावित होता है? वो होता है जोड़। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवंशिक पदार्थ होता है DNA। जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्र में। कोशिका में आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोजोम को, यानी कि वो खुद ही मर जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सुइसाइड बैग। मनुष्य में कौन सा क्रोमोजोम के मिलने से पुत्र जन्म होता है? पुत्र जन्म तभी होता है जब पुरुष का वाई क्रोमोजोम और स्त्री का एक्स क्रोमोजोम मिलता है। याद रखिएगा, पुरुष के पास XY दोनों क्रोमोजोम होता है और स्त्री के पास XX दो क्रोमोजोम होता है, यानी कि स्त्री के पास Y क्रोमोजोम नहीं होता है। पुरुष एक नया पुरुष जन्म लेने के लिए हमेशा पुरुष की Y क्रोमोजोम को जरूरी है, काहे कि लड़कियों के पास ओनली X क्रोमोजोम है। अब लड़कों के पास XY दोनों क्रोमोजोम है, जब X के साथ Y मिलेगा तो फिर एक नया पुरुष का जन्म होगी, और अगर पुरुष के एक्स क्रोमोजोम के साथ स्त्री का एक्स क्रोमोजोम मिल जाता है तो लड़की की जन्म होगी। मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित होने से थकावट आती है? वो आती है लैक्टिक अम्ल को, यानी कि हम लोग जब ज़्यादा परिश्रम करते हैं, ज़्यादा ताकत देने वाले काम करते हैं, तब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, और इस एसिड के कारण ही हम लोग थक जाते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? वो जकृत में होता है। सर्प दंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? वो होता है तंत्रिका तंत्र। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। एक खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट वाला खबर दी जाती है। हृदय रोग किससे होता है? हृदय रोग यानी कि
हृदरोग जो होता है वो कोलेस्टेरल से होती है। कोलेस्टेरल की मात्रा अगर नॉर्मल से बढ़ जाता है तभी हृदरोग का होता है। हैजा की टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है घेंघा। संतरे किसके प्रबल स्रोत होता है? संतरे कार्बोहाइड्रेट के प्रबल स्रोत होते हैं। मादक वाले पेयों के अधिक सेवन से हानि होती है, वो हृदय को हानि होती है। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? वो चेचक का टीका बनाया था। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है DDT, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। डिहाइड्रेशन से शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? अगर रसायन कहे तो इसमें आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट। और अगर किस पदार्थों की कमी हो जाती है तो वो होता है पानी का कमी हो जाती है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? वो विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहती है। वनस्पतियों में जीवन होता है इसका शोध किसने की थी? इसकी शोध की थी जेसी बोस ने, जिसको कहते हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस। सबसे अधिक लोहा किस भोज्य में पाए जाते हैं? वो हरी सब्जी में पाए जाते हैं। सीड्स क्या है? सीड्स होता है घातक मृत्यु रोग। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? वो मुख से होता है। मुख से जो लाला निर्गत होता है जिसको कहते हैं टायलिन, वो टायलिन ही पहले जो कार्बोहाइड्रेट खाना जाते हैं उसको पाचन करने में सहायक करती है। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? वो अशुद्ध रक्त होता है। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दी जाती है? धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होती है? वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है। मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? वो होता है मेनिंजाइटिस। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन या स्टडी को कहते हैं पोमोलॉजी। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको कहती है नाइट्रोजनीकरण या नाइट्रिफिकेशन। ऊँट एक बार में कितना पानी पी सकता है? ऊँट एक बार में लगभग 60 लीटर पानी पी जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? वो भेड़ के दूध में होते हैं। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? वो गला और श्वासनली को प्रभावित करता है। पोलियो की टीका की खोज किसने दी थी? वो साल्क ने दी थी। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? यूरिया एक नाइट्रोजन कंसंट्रेटेड फर्टिलाइजर होता है। इसमें नाइट्रोजन का जो परिमाण होता है वो ज़्यादा होता है और ये एक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? वो होता है कर्निया। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? वो होता है भिंडी। अंगूर का बागीचा किसको कहा जाता है? वो नासिक को कहा जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवंशिक पदार्थों को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जीनोम। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा होता है क्लरेला। BCG का पूर्ण नाम क्या है? BCG एक टीका होते हैं जो बच्चों को दिया जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस केमिथी ग्लोरिन। मांसाहारियों में सामान्यतः सबसे बड़ा होता है वो होता है आहारनाल होता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी होता है ऑस्ट्रिच, और ये सबसे बड़ा पक्षी भी होता है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज दी थी रॉबर्ट हुक ने। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है उसको। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? वो होता है लेडोसिया का। शरीर में ऊर्जा गृह के नाम से किसे जाना जाता है? शरीर में ऊर्जा गृह कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको एनर्जी सेल भी कहा जाता है। लाल रक्त कणा का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कणा यानी कि जो जिसको RBC कहते हैं वो 100 दिन का उसका समय काल होता है। 100 दिन के बाद वो जो RBC होता है वो मर जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? लगभग 7% होता है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? वो AB, AB जो ग्रुप है उसको कहते हैं। और सर्वदाता
रक्त समूह कहता है ओ ग्रुप को। खोपड़ी में हड्डिया की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में हड्डिया का संख्या होता है 8। मास्टर ग्लैंड ग्रंथि किसे कहते हैं? उस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहलाता है, उसको कहते हैं थायरोक्सिन। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसके बीज फल में नहीं ढका रहता है उसको कहलाता है अनावृत बीज। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? वो 22 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र के इकाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूरॉन, जो नर्वस सिस्टम है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जिन लोगों का ग्लूकोज में प्रॉब्लम है उन लोगों को इंसुलिन टैबलेट या इंसुलिन इंजेक्शन दी जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन किसके अपघटन से प्राप्त होता है? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीजन जल से मिलता है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से दिखाई देती है? वो दिखाई देती है पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। घाव भरने में मदद करती है लसिका, लसिका मदद करती है। अगर कौन सी विटामिन मदद करती है तो विटामिन विटामिन सी मदद करती है। ब्लड बैंक में रक्त कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में सुरक्षित रखा जाता है। याद रखिएगा ये फ़ारेनहाइट है, नॉट अ डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, और अनिवार्य जो जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन के। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है वो होता है ब्रायोफाइट्स। मेंडल ने शोध के लिए किस पौधे को चुना? वो मटर की पौधे को चुना था। मनुष्य के चेहरे में कितने अस्थियां होती है? मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवंशिक गुण किसके द्वारा जाते हैं? वो क्रोमोजोम के द्वारा जाते हैं। किस किरणों द्वारा रोगों का पता लगाने तथा उनके उपचार के लिए अध्ययन को क्या कहते हैं? एक्स किरण के द्वारा जो ट्रीटमेंट होती है उसको कहते हैं रेडियोलॉजी। ब्रेन की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? वो पहचाना जाता है ईईजी टेस्ट के द्वारा। ऊंट अपने कूवड़ का प्रयोग किसके संग्रह के लिए करता है? वो वसा के लिए करता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहता है? वो विटामिन ए रहता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों को अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। जंतुओं में अपने आप बनने वाले विटामिन को क्या कहते हैं? विटामिन ई कहता है। शरीर में संचित न किए जाने वाले विटामिन को क्या कहते हैं? वो विटामिन V1 कहता है इसको। मसूड़ों द्वारा खून निकलना किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है। और इस जो डिजीज है ये डिजीज को कहते हैं स्कार्वी। हैजा की टीका की खोज किसने की थी? वो रॉबर्ट कोच ने की थी। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या होता है? मांसपेशी का मुख्य कार्य होता है शरीर के अंग को गति प्रदान करना। कोवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोवा का वैज्ञानिक नाम होता है कोवर्स स्पेंडर्स। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक ही होता है लोह, यानी कि आयरन, जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है। डिहाइड्रेशन शरीर में किस कारण से होता है? वो जल की कमी के कारण होता है। लोह का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? लोह बोले तो यह पे आयरन मिनरल की बात हो रही है, ये हरी सब्जियों में मिलती है। सबसे छोटा न उड़ने वाले पक्षी का नाम क्या है? वो होता है कीवी। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? जीवन का उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा निकलती है माइटोकंड्रिया से। गुर्द का भार लगभग कितना ग्राम होता है? ये लगभग 150 ग्राम के आसपास होता है। स्तनधारियों के हृदय में कितने चेंबर बने होते हैं? वो 4 चेंबर होते हैं। मनुष्य के आहार नल की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? वो 32 फीट का होती है। जो टोटल डाइजेशन सिस्टम होता है मुंह से लेकर अपने अग्नाशय तक, वो होता है 32 फीट। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कब मिला था? 1986 में मिला था।
आम का वनस्पतिक नाम क्या है, इसको साइंटिफिक नेम कहा जाता है, साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। मानव शरीर पर कितने बाल पाए जाते हैं, कुल मिला के 50 लाख बाल मानव शरीर में पाए जाते हैं। दही में मौजूद अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। दाद होने का कारण होता है कबक। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। सरसों के तेल में कड़वाहट किसके कारण होता है, वो होता है ग्लूकोसिलेट्स के कारण। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है, वो होता है 40%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड जो चीज़ होता है वो होता है सोयाबीन। गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गेहूं में विटामिन B1, B2 और B6 मिलता है। तो ये था आज का डिस्कशन जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ। फिर लेकर आएंगे दूसरा पार्ट जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।